हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के महामंत्री सुशील कटारा जी, उपाध्यक्ष माननीय हेमराज जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी, वरिष्ठ मंत्री जो बहुत लंबे समय तक राजस्थान की सरकार में मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय भवानी जोशी जी, या जिले के प्रभारी माननीय दिनेश जी, सब प्रभारी माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद जो जिनको मेरे साथ सांसद रहे, मांझी भाई, ठाकुर भाई, मनोहर पटेल जी, भगवत पुरी जी, मनोहर त्रिवेदी जी, यहाँ उपस्थित माननीय दलीचंद जी, भीमा भाई, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय कैलाश मीणा जी, हरेंद्र निमामा जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, सभी सम्मानित हमारे प्रधान साहिबा, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, और इस पांडाल में विराजमान सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं उस भूमि को प्रणाम करता हूं जिस भूमि ने अंग्रेजों से लोहा लेने वाले पूज्य गुरु गोविंद जी की तपोभूमि को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं उस भूमि की ओर से नमन करता हूं इस पावन धाम को, जिस चित्तौड़ के मेवाड़ की दरा ने मुगलों को परास्त करने के लिए कभी झुके नहीं, कभी समर्पण नहीं किया और कभी संघर्ष किया, मेवाड़ को कभी पराजित नहीं दिया। तो इस पावन भूमि में, इस मानगढ़ धाम की पावन भूमि को मैं अपनी ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ माता त्रिपुरा सुंदरी के इस पावन धाम को, इस भूमि को, जहाँ देश दुनिया से लोग इस स्थान को नमन करने आते हैं। मैं नमन करता हूँ मावजी महाराज की उस भूमि को, जिन्होंने आधुनिक बिजली की कल्पना वर्षों पहले कर दी थी। डोरी डोरी दियो बड़े, ये कावल बहुत पहले यहाँ के लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी। मैं उस पावन भूमि को नमन करता हूँ। मैं पांडवों के वनस्थली गोटिया अम्बा धाम को नमन करता हूँ, और यहाँ के देवतुल्य जनता को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने इस कांग्रेस रूपी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इस पावन भूमि